just like you. No, I always want stress like you. Oh, I always want stress like you. मेरे दोस्त आ चुके हैं अपने कॉफी वॉफी लेके। कैमरा क्या हो गया? हाँ स्नैपचैट है भाई। तुम इतनी शर्म तो करता कि एक मेरी लिए आता। नहीं हमने शर्म नहीं सर। भूख ना थी कॉफी तो पी लेता। ये तुम बताई ना आज किस गेम है ला दिखाई रोहित खराब है। मैंने बेरोहित को तेरी डाल है सुनाया देते हो छोरो भाई है तो स्वाद। इसके लगते पैसे लिए हैं जो शीशे का दिया 300 रुपए लिए हैं। ओए ये ट्रिप में अलग जुड़े हैं पता है। भाई हमारा जाने का मन ही नहीं कर रहा देहरादून सिटी से। मतलब इतनी जिसे कहते हैं ना कि अच्छा रोमांच चल रहा है यहाँ पे। मतलब भाई इतनी हलचल देखी है ना इतने दिनों बाद कि भाई मज़ा अलग आ रहा है उस चीज़ को। मतलब हलचल जो महसूस कर रहे हैं ना वो अलग लेवल है भाई उसके लिए। और ये देखो भाई मतलब भाई इतने टमटम उत्कर्ष क्यों भाई हैं? मैं बता रहा हूँ इतना लत्ता चेंज कर लिया भाई इसने। कम से कम 2-3 टी शर्ट बदल लिए सुबह से। इसमें फोटो खींचते उसमें फोटो खींचते और मान ही ना रहा है बिल्कुल भी। भाई हमने करा ली सैंडविच यहाँ पे रुके थे कैफे में। चले लड़को मतलब वो तो मेन पॉइंट पे तो रुकना ही है फोटो वोटो के लिए। अपनी ये हटा दे कच्चे बच्चे भाई तेरा सिंगार होगा वो तो हटा दे। भाई सैंडविच ही खा लेते हैं यार। चलो ये ठीक करा तुमने मिल लिया। भाई इतनी देर से खाली खाली चल रहे थे खाली खाली रोड दिखा रहे थे खाली खाली बकवास आपको दिखा रहे थे। फाइनली पहाड़ों पे जैसे चढ़े हैं देहरादून से निकल चुके हैं मसूरी के पहाड़ों में हमने टच कर लिए है। और भाई थोड़ा सा साइड में जाता हूँ रोड में नहीं तो भाई यहाँ पे आते के साथ ही नज़ारा आ गया है। तो दोस्तों नज़ारा आपको चेक करा देते हैं भाई इधर की तरफ ये कैसा नज़ारा है। फोटोज़ रील सारी मिलेंगी इंस्टाग्राम पे तो उस पे इंस्टाग्राम के लिए फॉलो कर लो नीचे आईडी आ रही है। और भाई नज़ारा ना काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ये रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है बट अभी भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है तो अभी दिखाते हैं। ये देख लो भाई पूरा देहरादून की सिटी हमें नीचे से दिखती है। अच्छे से दिखाता हूँ बैक कैमरा में। भाई मसूरी आने की मेरे को सबसे बेस्ट चीज यही लगती है जो सामने पूरी देहरादून सिटी का नजारा हमें आता है ना कि जितना हम देख रहे हैं सारा मतलब देहरादून सिटी है। और भाई सनसेट का टाइम है थोड़ा सा और ऊपर जाते ना थोड़ा और ऊपर और अच्छा नज़ारा आता पर अभी फिलहाल यहाँ से चेक कर लो। ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर का भी नज़ारा चेक कराएंगे। फोटो सेशन चालू हो चुका है अपना बच्चों का। भाई ये तार अट रहा था जिसकी वजह से फोटोज अच्छी नहीं आ रही तो वहीं पे चल रहे हैं ऊपर की तरफ ही वहीं पे खिंचवाएंगे। बने रहे वीडियो में अभी पहुँचा देंगे एक सेकेंड में। येलो जी वहाँ नीचे थे नीचे से ऊपर आ गए एकदम से। और भाई यहाँ से व्यू चेक करो भाई अल्टीमेट ही नज़ारा आ रहा है ना। मतलब और जो ये यहाँ से स्किनी अपना नज़ारा आ रहा है ना उत्कर्ष बहुत ही अमेजिंग भाई बहुत ही अमेजिंग। भाई ये ले लो नज़ारा सनसेट का। जिस भी ट्रिप पे आते हैं भाई सनसेट देखना सबसे मेन है क्योंकि बिना सनसेट और सनराइज तो देखो बहुत मुश्किल है देखना बट सनसेट जरूर दिखा सकते हैं। और भाई इतना लवली सनसेट भाई मज़ा नज़ारा ही अलग है। ओहो कैसे ब्राइट हो गया भाई मतलब नेक्स्ट ही लेवल नज़ारा है। इसको ब्राइट कर सकते हैं हम इसको डल करेंगे सूरज दिखाते हैं शाश। तो भाई सनसेट एंजॉय कर लिया है अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। बहुत देर हो गई हमें बकवास करते करते। सनसेट के साथ साथ चलते हैं ऊपर। नहीं भाई ऊपर यार मेरा मतलब मसूरी भाई पता नहीं इतनी नेगेटिव सोच क्यों है रोहित दिनी। तो बस भाई सामने आ गया अपना मसूरी। मात्र 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहां ऊपर। और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो रही है क्योंकि भाई हमारे सारे दोस्त पिछले 2 घंटे से वहां ऊपर पहुंचे हुए हैं और हम भाई आपको जैसा पता ही है क्लिप्स व्लिप सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छे से फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि भाई मतलब एग्जैक्टली वहां पहुंच के क्या फायदा उत्कर्ष। नहीं मेरा तो कोई फायदा नहीं अभी और फोटो खिंचवाऊंगा। फिर रुक गए भाई यार फिर रुक गए।
भाई छिका दिए भाई इस इंसान ने फोटो खिंचवाने की नहीं। अब सनरूफ ना खुल रही तेरी, अब ये कह रहा था सनरूफ में से फोटो खिंचवाने के लिए, अब इसकी सनरूफ ना खुल रही भाई गाड़ी की। ये फर्जी गाड़ी ले लेते ना क्रेटा क्रूटा, कोई महंगी सी गाड़ी लेगा तो सनरूफ भी अच्छी आएगी भाई। भाई सनसेट आप देख ही लो। बाकी भाई ऊपर सारे वो पहुंच गए करीबन एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही उनको हो गया, होटल होटल में भी उन्होंने चेक इन ले लिया है, हमें बस पहुंचना है, 15-20 मिनट और बाकी बच रही है। वो पीछे की तरफ मसूरी है और भाई अटक गई, सही में अटक गई ना खुल रही। लो भाई सनरूफ और टूट गई हमारी, तोड़ देगो खुल कर आ रही, दिक्कत क्या आ रही है भाई। ऊपर से तो थोड़ी सी उठ रही है, एक मिनट रुक इसने बंद कर पहले वो सनरूफ रीसेट करने का कोई वो है करे यार, पता है तेरे को ना। चल भाई शाबाश। हां ना भाई वैक्यूम बंद रखा है इसने, फट फुट तो ना जाओगी, हल्का सा प्रेशर तो ले रही है भाई। क्यों जुड़ गया इसका गलती में थोड़ी बहन के लंडे है। भाई लेसन रूफ खराब होगी। सनसेट के साथ तो भाई आपकी सनरूफ के साथ तो फोटो नहीं आ रही भाई, क्रेटा मतलब लेनी वेस्ट होगी। 16-17 लाख रुपए लगे, 16-17 लाख रुपए अगले ने लगाए भाई क्रेटा सनरूफ वाली लिए। भाई उत्कर्ष यार गलत हो गया, नहीं मतलब बैड लग है थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार गाइस, मर्सिडीज ले ले, बेच दे इसको, घर जाती के साथ बेच दियो है। भाई फाइनली गाइस हम एंट्री करने वाले हैं मसूरी में, जिसको पहाड़ों की रानी कहते हैं उत्कर्ष, आपने भी बताया ऊपर था नीचे ही है पक्का। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, 1 किलोमीटर ही बाकी है मसूरी, और भाई हमारे दोस्त पहुंच रखे हैं 3 घंटे पहले, इतनी गाड़ियां बक रहे हैं कि कहाँ रह गए बस क्या ही बताएं कहाँ रह गए। रोहित का फोटो शूट ही खत्म नहीं हो रहा, रोहित कच्चे में। तो भाई बड़ी मुश्किलों के साथ पता नहीं कितनी हाइट पे चढ़वड़ के होटल है ब्लिसन को, अभी देख के पता चलेगा कि भाई कैसा होटल है। एंट्री तो काफी अच्छी है बट भाई जो चढ़ाव है ना यहाँ का आने में काफी मुश्किल हुई है। लोकेशन तो भाई अच्छी सी लग रही है अभी भाई, बाकी सारी चीज़ें अभी करते हैं थोड़ी सी मशक्कत के बाद। भाई होटल की बात करें ना काफ़ी मतलब बहुत ही अलग सा ही एक्सपीरियंस है थोड़ा। यहाँ पे सिटिंग एरिया होगा सारा जहाँ पे हम बैठेंगे अभी करेंगे बातचीत सारी, उससे पहले अभी मैं आपको चल रहा हूँ अंदर की तरफ दिखाऊंगा कि हमारे कैसे रूम्स हैं और प्रॉपर्टी में चल रहे हैं अंदर। भाई होटल का नाम अपना ब्लिसगो ही है, ब्लिसगो है को भाई। ये एरिया थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा बिल्कुल बैठने का। हमने फोटो में देखा ना तब हमको वही चीज लगी अच्छी। तो भाई ये अभी हमारा है फर्स्ट बेडरूम, तो यहाँ पे थोड़ी हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है, उसके बाद मेन अंदर हमारा जो किंग साइज बेड है, यहाँ अपना ड्रेसिंग टेबल होगा, छोटा फ्रिज है, ये अपनी चिमनी टाइप है ठीक है, ये अपनी चिमनी है ओरिजिनल या फिर मतलब सिर्फ अच्छा शो पीस के लिए है। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रूम में एक बार पानी भिजवा देना भैया, अच्छा पानी है, चलो थैंक यू जी, थैंक यू ठीक है। और वॉशरूम ठीक है, ओके थैंक यू। तो भाई जैसा कि आप सबने अभी वीडियो में देखा, मैंने पूरे होटल का आपको रिव्यू दिया, मतलब एक रूम नहीं दिखाया अभी और बाकी पूरा होटल दिखाया, लॉन एरिया दिखाया, मतलब अभी मैं आपको रेट बताऊंगा एग्जैक्टली कल कि भाई कितने का क्या क्या है, अभी मैं रेट नहीं बता रहा हूँ कि हमने कितने में क्या लिया है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे सुबह कवर। अभी यहाँ पे बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, सारे गए हैं नीचे की तरफ, रोहित अंदर रेस्ट कर रहा है, उत्कर्ष भी अंदर ही है और वो चारों गए हैं भाई नीचे माल रोड पे थोड़ा सा कुछ खाने पीने देखने के लिए, तो बस वो आ जाते हैं उसके साथ फिर बैठते हैं एंजॉय करते हैं बातें करेंगे यहीं पे बैठ के। ये सिटिंग एरिया है काफ़ी अच्छा, ये मैंने अभी दिखाया आपको, तो अभी तो फिलहाल अकेला ही हूँ। मौसम भाई गुड़गांव से यहाँ के मतलब गर्मी में इतना अच्छा फील हो रहा है कि बैठ के अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है। और भाई गिटार बजाऊंगा रात को, अभी यहाँ पे एडिट करूंगा व्लॉग अभी, और आपको ये वीडियो तो मिलेगी उसके बाद में ही, पहले फर्स्ट व्लॉग एक आ चुका होगा। आप रेगुलर व्लॉग्स लाने की तैयारी कर रहा हूँ कि भाई जितनी कंटिन्यूटी मेंटेन हो सके उतनी कंटिन्यूटी मैं मेंटेन कर पाऊँ, तो अभी तक के लिए यही है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस तो हो ही गया यार भाई, पर भाई हमने जेन्युइन कंटेंट भी तो बनाया है नहीं,
अब आए किसके साथ हो पहले? थैंक यू यार सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को ऐसा ही कोई पार्टनर चाहिए होता जो मेरे लिए जहाँ मैं बोलूँ गाड़ी रोक दे, और ये खुद ही पहले एडवांस ही चल रहा था कि यहाँ रोक रहा है वहाँ रोक रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा उत्कर्ष को अपने चैनल पे। मेरे भाई मनप्रीत दोनों भाई बैठ पे कूद देंगे, चल भाई तोड़ दे इनका बैठ भाई। ऐसा है मतलब बता ना सकूं कि भाई जिस लेवल पे परेशान करा भाई, फोटो खींच दे यहाँ कर दे सुन तो ना रहे कि भाई जिसे कहते ना अल्टीमेट भाई बहुत दुखी कर दिया। कल मैं गाड़ी चेंज करूंगा, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा, दूसरी गाड़ी मेरा जगह नहीं है ब्रो। को फेंक रहे हैं ना, मतलब किसी ना किसी को सेटलमेंट करे हैं। अच्छा मतलब जीतू भाई मतलब किसी ना किसी को तो करेंगे, जीतू भाई को फेंक देंगे इनके साथ, बुजुर्ग आदमी है ना कहीं सेट हो ही सके। भाई सनरूफ ना खुली कह रहा, सनरूफ की और फोटो खींच दे अब लास्ट लास्ट, कम से कम भाई एक घंटा यूट्यूब पे सर्च कर ये कर वो कर, लास्ट में हार ही मान ली उसने नहीं होगा, मैंने तो हाथ जोड़ ही दिए थे भाई। बैचलर्स वाले देते ना बैचलर्स ही मनाने आए हैं, और हम क्या करने आए हैं भाई? भाई तुम अपना लगूंगा अपना लगूंगा मेरे भाई लेते नहीं यार, ऐसे नहीं करते मेरे बच्चे देते हैं। ऐसे मत कर ब्रो, मैं तो कुछ कर ही ना रहा, मैं तो कुछ कर ही ना रहा, गुस्सा से रहा अपने अंदर इतना संभाल लिया कि सही में वेट बढ़ गया उसका। भाई तेरी कसम जो भी करो कराया ना उत्कर्ष को है, किसी को हो जाए अपना अपना टाइम निकालने का। कब सुबह टाइम से घर? भाई तो जितिन तो घर जा रहा है, तो देखो बैचलर्स तो कैंसिल हो ही गई है, मनप्रीत रहने देते फिर हम भी। गाइस प्लान में एक सडन चेंज आ चुका है, तो बैचलर्स ही कैंसिल होगी प्लान में एक, अभी अभी एक सडन चेंज आया है, तो भाई अब हम नॉर्मली ट्रिप पे आए हुए हैं तो नॉर्मली एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्मली ही एंजॉय करेंगे। यार एक बात बता, वैसे मैं एक चीज सोच ही रहा था, बैचलर्स में नाम हम आए हैं, ब्याह जतिन का हो रहा है, सारी चीज जतिन की होगी, गाड़ी वाड़ी जो भी ब्याह में आवे ना आवे पैसे ले, हमने क्या फायदा हो रहा है कुछ भी जो हम इसमें घुमाने लग गए। ये स्टोरी तो मेरे को पहले से पता थी। अच्छा मतलब हमें क्या फायदा होगा, जतिन ना बाहर ही भग गया बेचारा, गुस्सा हो रहा है, मनाना पड़ेगा। गुस्सा हो रहा है यार भाई, मेरी वजह से क्यों गुस्सा हो रहा है यार, मैं अकेला आदमी भाई किस किस को टैकल करूं। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को अपनी फैमिली के लिए भी भाई करना पड़ता है। फैमिली कहाँ है? मेरी यूट्यूब फैमिली है ना। ओह डैम ब्रो हड़के में ले रहे गाइस हमें, एक बार इनको बता देना कमेंट सेक्शन में स्पैम करके कि हमारी कितनी ताकत है। बाकी भाई रूम मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और बाकी जो थोड़ा सा अमेजिंग एरिया है ना वो ये लॉन एरिया है। ओए हो जान पहचान से लग रहे हैं मेरे जीतू भैया यार भाई इतना गुस्सा मत हो प्लीज यार, सॉरी बिल्कुल धोरे ही मत ये हो तो मेरे भाई, सब कुछ ना उत्कर्ष ने करा कराया है। हाँ तो भाई तुम ऐसे 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 पायलट लेके क्यों आए थे? मतलब आप मानोगे नहीं, जहाँ से भी चल रहे हैं ना, सुनो जहाँ से भी चल रहे हैं हर पांच पांच मिनट में गाड़ी रोक रहा है, इस कैफे में चल उस कैफे में चल, पांच दस मिनट यहाँ रुक जा, पांच दस मिनट यहाँ बैठ जाते हैं। ये प्रेग्नेंट जनानी है ना जो हर आधे घंटे में भूख लग रही है। ओ बकवास मत कर ठीक है भाई, यहाँ से एकदम बैठे थे जतिन के साथ साथ, मेरे को एकदम से बातचीत करते करते ना ये नजारा आ गया नीचे का, मतलब अमेजिंग नजारा कितना आ रहा है आप देख सकते हो एक नंबर का नजारा आ रहा है, ठीक है भाई ठीक है। डस्टबिन किसने पलटा दी? जतिन गुस्से में, जतिन गुस्से में यार भाई, जतिन ना ज्यादा ही गुस्से में है, छोड़ रहने दे जतन, अभी मना लूंगा एक मिनट लगे मैंने कोई भी किसी ने मना में तेरे मिलके बस जो तो मुझे छोरा यू सोच रहा है आज भैया ठीक है आए हैं यहाँ चीजें खराब ना हो मैं भी खंडा कम ना ना इसकी कोई दिक्कत ना है ऐसी भाई, वो मेरे तो पूरा प्यार कर रहा है, मैंने पता है मेरे चाचा छोरो है भाई, तो किसी और तो कर रहे प्यार तो मेरे भी कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली मसूरी पहुंच चुके हैं, और स्टे हमने आपको दिखा दिया है अभी, और बाकी इन डिटेल में मैं आपको रूम दिखाऊंगा कल सुबह। अपना जो मेन सबसे बेस्ट रूम है वो अभी यही है, ऐसे ही हमने दो रूम लिए और एक रूम थोड़ा बेसिक है, तो बेसिक को भी कवर करूंगा और ट्राई करूंगा इस प्रॉपर्टी में अगर और भी रूम्स हो सके तो आपको वो भी रूम्स दिखाऊं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाकी प्रॉपर्टी काफी अच्छी लगी है, अभी हम स्टे करेंगे इसमें, आज रात का मैं यहीं पे स्टे होने वाला है,
और बाहर बैठेंगे, चिल करेंगे, जो भी सारी चीज होगी मैं दिखा दूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूं। तो थैंक यू सो मच गाइस।